कहीं धर्म निगाहें कहीं तोरी बाहें आहा चैनल टेक्निकल सोमिक। तो गाइस मैं फिर से आगे हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू ट्रेंडिंग रील्स वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके, जो कि अपने प्रीव्यू पर देख लिया होगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस तरह का वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स पर ट्रेंडिंग पर चल रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इसका ट्यूटोरियल लेके आ गया हूं। तो इस थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी बहुत ही आसान से इस तरह का वीडियो बना पाओगे। तो गाइस सीखने के लिए जस्ट आप लोगों को इस थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखना होगा। और गाइस वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना। और गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल इस चैनल पे अपलोड करता हूं। तो गाइस चलिए बिना देर करते हुए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस प्रीव्यू का जैसा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को VN ऐप का जरूरत पड़ेगा, और ये ऐप आप लोगों को बहुत ही आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास VN ऐप नहीं है तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन ऐप आपका गैलरी खोल के आ जाएगा। अब इधर से आप लोगों को एक लिरिक्स वीडियो को पहले सिलेक्ट करना है, और इस लिरिक्स वीडियो का डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से लिरिक्स वीडियो को पहले डाउनलोड करके आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो गाइस लिरिक्स वीडियो सेलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को ऊपर में वीडियो के बगल में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन ऐसे आप लोगों को टोटल 15 फोटोज को सिलेक्ट करना है। जी हां गाइस ये रिमिक्स सॉन्ग है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा फोटो का जरूरत पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। यहां पे मैं जो फोटो यूज कर रहा हूं, अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, वहां से आप लोग बहुत आसान से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस अगर आप लोग अपने पसंद का फोटो को यूज करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो यहां पे आप लोगों को टोटल 15 फोटोज को सिलेक्ट करना है। मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूं। सभी फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देने पे लिरिक्स वीडियो और फोटोज ऐड होके आ जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा खींच करके एकदम लास्ट पे जाना है। नीचे आप लोगों को एक ब्लैक कलर लेयर मिलेगा जो ऐसा ऑटोमेटिक आ जाता है। सिंपल से लेयर के ऊपर क्लिक करके इधर से इसको डिलीट करना है। देन फिर से आप लोगों को खींच करके फर्स्ट पोजिशन पर चले आना है। अब गाइस इधर से आप लोगों को सॉन्ग को ऐड करना है, तो सॉन्ग को भी पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन आप ऐड करने के लिए ऊपर में फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन ऊपर में माय म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किए हुए सॉन्ग के बगल में यूज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन नीचे म्यूजिक बीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस सॉन्ग के ऊपर आप लोग टोटल 15 बिटमार्क को ऐड करना है। तो गाइस कहां पे ऐड करना है आप लोग साइड पे देख सकते हो, मैंने पर टाइमर दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट टाइमर आप लोगों को 8.72 सेकंड पर ऐड करना है। तो यहां पे उस टाइमर को फॉलो करके इस तरह से खींच करके पहले फर्स्ट टाइमर के ऊपर चले आना। तो गाइस फर्स्ट हमारे के ऊपर आ जाने के बाद आप लोगों के नीचे रेड कलर फ्लैग के ऊपर क्लिक करें तो एक बिटमार्क ऐड हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से आप लोगों को एक एक करके सारे बिटमार्क को ऐड कर लेना है। ये करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये आप लोग जितना अच्छी तरह से करोगे आपका वीडियो का आउटपुट उतना अच्छा होगा। तो थोड़ा सा टाइम लेके एक एक करके इस तरह से सारे बिटमार्क को ऐड कर लीजिए। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस सारे बिटमार्क ऐड हो जाने के बाद आप लोगों के नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन फिर से नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो सॉन्ग यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। अब ये सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा खींच करके बिटमार्क की तरफ आ जाना है। देन नीचे टू फिंगर से थोड़ा सा जूम करना है ताकि आप लोगों को सारी फोटो और बिटमार्क अच्छी तरह से देखने को मिले। अब आप लोगों को ऊपर में सॉन्ग के ऊपर जो सेकंड बिटमार्क है, सेकंड बिटमार्क के ऊपर क्लिक करना है। देन नीचे जो फर्स्ट फोटो लेयर है इसके ऊपर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन क्रॉप करना है नेक्स्ट बिटमार्क तक। फिर से आप लोगों को नेक्स्ट बिटमार्क के ऊपर क्लिक करके जाना है नेक्स्ट बिटमार्क तक। देन आप लोगों को नेक्स्ट जो फोटो आएगा इसको क्रॉप करना है बिटमार्क तक। इस तरह से आप लोगों को सारे फोटो को बिटमार्क के हिसाब से क्रॉप करना है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। तो गाइस उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर यहां पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट पे बता देना, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इस तरह से आप लोग एक एक करके सारे फोटो को बिटमार्क के हिसाब से क्रॉप कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस सारी फोटो को बिटमार्क के हिसाब से क्रॉप करने के बाद लास्ट पर जो फोटो रहेगा इसका ड्यूरेशन जितना जो स्ट्रॉन्ग है उतना रुक कर लेना। दिन से डन करके कोई भी एक फोटो के लेयर के ऊपर चले आना। अब आप लोगों को नीचे फास्ट में एक फिल्टर नेम का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस फिल्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। दिन ऊपर में एडजस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। दिन आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देने को मिल जाएगा। ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा खींच करके विग्निटी ऑप्शन के ऊपर चले आना है। दिन पर जो विग्निटी है एकदम प्लस 100 करके नीचे बीच पर जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सारे फोटोज के ऊपर एक डार्क लुक आ जाएगा। तो इसी तरह से फास्ट वीडियो के ऊपर
भी आ जाएगा। तो वीडियो के ऊपर से इस डार्क लुक को हटाने के लिए आप लोगों को वीडियो लेयर के ऊपर क्लिक करना है, नीचे फिल्टर ऑप्शन के ऊपर फिर से क्लिक करके यहाँ पे विग्निटी को जीरो करना है। विग्निटी यहाँ पे जीरो हो जाने के बाद नीचे सिर्फ राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो वीडियो के ऊपर से ये इफेक्ट हट जाएगा लेकिन फोटोज के ऊपर रह जाएगा, इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। तो गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे बहुत सारा छोटा छोटा प्लस ऑप्शन देने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को कोई भी प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, देन फिर से आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। इधर से थोड़ा सा खिसका के आप लोगों के लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ड्यूरेशन है 0.8 रहेगा, इसको आप लोगों को माइनस करके 0.3 कर लेना है। देन नीचे बीच पे जो अप्लाई टू ऑल ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सारे प्लस ऑप्शन के ऊपर ये लाइट इफेक्ट ऐड हो जाएगा, इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। तो गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर से खींच करके फर्स्ट फोटो के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे फर्स्ट फोटो के ऊपर आने के बाद आप लोग नीचे थर्ड नंबर पे एफएक्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे फोटो लेयर को खींच करके फर्स्ट पे ले आना है। देन नीचे आप लोगों को बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फोटो है इसके ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन बिट को सिलेक्ट करना है। तो नीचे थोड़ा सा ढूंढ के एक्सप्लेन बिट को सिलेक्ट कर लेना है। इफेक्ट सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे इसका ड्यूरेशन खींच के जितना हो सके कर लेना है। तो देन फिर से आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन लेगा, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो तो नेक्स्ट फोटो के ऊपर आ जाओगे। अभी जो नेक्स्ट फोटो है इसके ऊपर आप लोगों को जिटर आप इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो सेम प्रोसेस नीचे ढूंढ के जिटर आप इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। देन इसका भी ड्यूरेशन जितना दूर हो सके खींच के कर लेना है। फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाना है। अब इधर से आप लोगों को फिर से इन दो इफेक्ट को रिपीट करना है, यानी कि फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन को सिलेक्ट करना है। देन एक्सप्लेन के बाद आप लोगों को फिर से जिटर आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप लोग इन दो इफेक्ट को सारे फोटोज के ऊपर अप्लाई कर लेना है, कुछ इस तरीके से जिस तरह से मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। यानी कि एक फोटो के ऊपर एक्सपेंड और नेक्स्ट फोटो के ऊपर जिटर, आप इस तरह से फिर फोटोज के ऊपर इफेक्ट को ऐड कर लीजिए। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस सारे फोटोज के ऊपर इफेक्ट को ऐड करने को तब लोग नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना है। देन फिर से आप लोगों को खिसका के फर्स्ट बिटमार्क के ऊपर आ जाना है। अब इधर से आप लोगों को एक इफेक्ट वीडियो को ऐड करना है। तो फिर वीडियो को पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन यहाँ पे ऐड करने के लिए यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे वीडियो फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किए इफेक्ट वीडियो के ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए। तो इफेक्ट वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाने के बाद नीचे आप लोगों को थोड़ा सा खिसका के फिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो फुल स्क्रीन में एडजस्ट हो जाएगा। देन नीचे और थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको स्क्रीन पे सिलेक्ट करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइस आप लोग देख सकते हो आपका जो वीडियो है प्रीव्यू का जैसा बनके तैयार हो जाएगा। अब इधर से इसको सेव करने के लिए आप लोग ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।